हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जो है तो मशीन आज जो है दोपहर में 1:30 बजे से मशीन निकाल के बैठे हैं। और जो है तो पहले से कपड़ा वपड़ा काट के रखे थे, झोला वोला जो है पैंट का था, तो झोला हम सिले हैं। एक दो तीन और चार, एक पांच, एक ही हुआ बात है क्या? ए एक ही हुआ बात है। 11 पे 6 झोला, 5 है 11 पर हम हैं। ये अगो है जो है 6 झोला बनाई हूँ। जब बैठते हैं तो इकट्ठा ही बना लेते हैं। और देखो कैसे मेरा बाल वाल एकदम बिखर गया है, आप लोग देख सकते हैं, एकदम पगालिए के जैसे बन गए हैं। तो गर्मी बहुत लग रही है, तो फिर इसको झोला, आज हम बोले थे कि झोला पहले बना के हटा दें, फिर उसके बाद जो है एक डोरी बनाई हूँ और दूसरी जो है बना रही हूँ। और साथ में चाय भी पी रही हूँ। अभी ब्लाउज सिलना है, फिर एक दिन दुकान जाएंगे तो पीस ले आएंगे। अस्तर वाला नहीं सिलेंगे, पीस सिलेंगे गर्मी के लिए, कि 2-3 पीस ले लेंगे तो सिलाई कर लेंगे अपने पहनने के लिए। आप लोग देख सकते हैं गर्मी से एकदम पसीने से बुड़ गए हैं। थैंक यू, चाय बहुत अच्छी थी। चाय बनाओ। डेढ़ दिन से मशीन वैसे रखा है ना, तो आवाज बहुत कर रही है, तो इसको हम जो है कल तेल ओल इसमें डालेंगे। खोरिया ले ले, वही होए बढ़ के आई जा। ओ को अथा में चावल धाई दे के था में बोलो, पानी टपे हम कह के धाई दे ना, तो बहुत गर्मी यहाँ है जान ला, खराब हो जाए दाल धाई दे, गर्म हो जाए, बहुत तेज गर्मी है। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी ही श्याम संग प्रीत दो रील खत्म हो गया है। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है ना, हवा ना चलता है ना, हवा चला तो सही रहा है।
गैस में भरते थे ये जो है टूट गया है, तब से ऐसे ही मसाला के ऐसे भर लेते हैं। अब कल सिलाई करेंगे। अब आज बहुत हो गया इतना थक गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं बुरा हाल हो गया हमारा। तो आप लोग कैसे लगा हमारा झोला थैला और डोरी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो है तो इकट्ठा झोला सिलाई करके रख दी हूँ बारिश वरिश से तक फुर्सत, तो बारिश में यहाँ नहीं बैठ पाएंगे ना, तो इसलिए हम सिल रहे हैं। तो यहीं बैठ के आंगन में सिलते हैं, और कहीं मतलब जगह नहीं है। तो इकट्ठा अभी तक जो है गर्मी में पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन तब हम जो है बैठ के ज़बरदस्ती सिलाई कर रही हूँ। नहीं सिलूँगी तो हमको करना है, और कपड़ा जो है अपना जो सेम जो अच्छा अच्छा था उसको निकाल लिए थे, जो खराब था जो नहीं लाए उसको हम बाहर लिए थे। और अभी जो है ब्लाउज अस्तर कैंची नहीं चौंक है, जब से हमारी शादी हुई है तब से कैंची वही चल रही है, अभी एक बार भी नहीं शाम धराए हैं। इनसे बोले हैं कि मतलब शाम धरा दो प्रतापगढ़ उड़ जाओ तो। और यहाँ दुआरे वाले अबे नहीं करते, दुआरे वाले जैसे यहाँ तो धा शाम धरवा दे चौंक नहीं ना, एक बार काटे मन करना है और काटने कपड़ा तो कट जाता, लेकिन ये सब कपड़ा नहीं करता है, करता है बहुत दिक्कत होती है, टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स कैसे लगा हमारा वीडियो, और आप लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा कि हमारा झोला कैसे लगा। और जो है आप लोग के भरोसे बैठे हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।